ब्लैकबेरी ने लॉन्च कर दिया इंडिया में की टू स्मार्टफोन। दोस्तों ये एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आपको क्वालिटी की पैड भी मिलता है। दोस्तों यहाँ पे 4.5 इंच का टच स्क्रीन भी आपको मिलता है और नीचे में छोटा सा इम्प्लीमेंटेड क्वालिटी की पैड भी आपको मिलता है। ये ब्लैकबेरी ने अभी हाल ही में इंडिया में लॉन्च किया है। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपसे इस फोन की स्पेक्स की तो वो कुछ ऐसी है। दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है एक 4.5 इंच का LCD पैनल जिसकी रेजोल्यूशन है 1620x1080p। यहाँ पे 434 की पिक्सल पर इंच की रेजोल्यूशन आपको मिल रही है। रैम दी गई है यहाँ पे 6GB। इंटरनल स्टोरेज की जहाँ पे बात आती है वहाँ पे आपको मिलती है 64GB और 128GB की ऑप्शन में। उसके साथ साथ आप यहाँ पे एक्सपेंडेबल मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। ब्लैकबेरी क्लेम करता है कि आप यहाँ पे 2TB तक का मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। क्या पता 2TB का मेमोरी कार्ड आता भी है या नहीं। प्रोसेसर यहाँ पे आपको दिया जा रहा है स्नैपड्रैगन का 660 जिसके साथ आपको Adreno 512 GPU भी दी जा रही है। यहाँ पे आपको मिलेगा एंड्रॉयड वर्जन 8.1 और यहाँ पे जो बैटरी मिलेगी वो है 3500 mAh की। यहाँ पे आपको क्विक चार्ज का भी सपोर्ट मिलता है। और अब बात करते हैं इस फोन की कैमरास की तो यहाँ पे आपको रियर में 2 डुअल कैमरास दिए गए हैं और फ्रंट में एक सेल्फी कैमरा। तो जो रियर कैमरास है वो है जो प्राइमरी रियर कैमरा है वो है 12 MP का। यहाँ पे आपको 1.3 micron मिलती है, उसके साथ f1.8 का अपर्चर मिलता है। जो दूसरा कैमरा है वो भी है 12 MP का, यहाँ पे आपको 1 micron की यूनिट मिलती है और उसके साथ साथ जो अपर्चर है वो है f1.8 का। इन सब के साथ साथ आपको मिलता है 4K का 30fps सपोर्ट और इसके साथ साथ आपको मिलता है 1080p पे 60fps की रिकॉर्डिंग का सपोर्ट। जो फ्रंट कैमरा है वो है 8 MP का। दोस्तों यहाँ पे आपको 1080p 60fps तक की रिकॉर्डिंग की ऑप्शन मिल जाती है। इन सब के साथ साथ आपको कीबोर्ड में एक इम्प्लीमेंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। जो USB टाइप है वो है यहाँ पे Type-C। आपको एक हेडफोन जैक भी मिल रहा है इस फोन में। तो ये तो थी इसकी स्पेक्स। इसकी प्राइस मैं आपको इस वीडियो के अंत तक बताऊंगा, तब तक आप गेस करो कि इस स्पेसिफिकेशन के लिए आप क्या प्राइस देना पसंद करोगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस फोन की। तो इस फोन में सबसे अच्छा और सबसे बुरा एक ही फीचर है कि इसकी स्क्रीन। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन के साथ कीबोर्ड तो मिलता है। बहुत लोगों को ये पसंद आया क्योंकि उन्हें टच स्क्रीन पे टाइप करना कंफर्टेबल नहीं लगता है, लेकिन उधर ही बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये बहुत ही पुराना चीज लगता है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे आपको 4.5 इंच का स्क्रीन दिया जा रहा है प्लस जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है 16:20 का। तो दोस्तों वहां पे 16:19 आ चुकी थी, यहाँ पे अब 18:9 आ चुकी है और ये कंपनी अभी भी आपको 16:20 का एस्पेक्ट रेशियो प्रोवाइड कर रही है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही आउटडेटेड बात है। अब बात करते हैं इस फोन के कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड बहुत ही अच्छा है, टाइप करने में बहुत ही कंफर्टेबल है, लेकिन फिर यहाँ पे आपको अल्ट दबाना पड़ता है नंबर्स को टाइप करने के लिए। जो कीपैड है उन पे शायद प्रिंट नहीं किया गया है कि कौन से नंबर्स कहाँ हैं, तो आपको अल्ट दबाना पड़ता है। उसके साथ साथ अगर आप इस फोन पे गेमिंग करना चाहते हैं तो वो एक बहुत ही खराब एक्सपीरियंस होगा। फॉर श्योर ये फोन गेमिंग के लिए नहीं बनी है क्योंकि जैसी जो इसकी स्क्रीन साइज है, जो इसका एस्पेक्ट रेशियो है और जैसा कीबोर्ड यहाँ दिया गया है, ये टाइपिंग के लिए बनी है। ये बिजनेस फोन आप कह सकते हो इसे, लेकिन वो भी कहने में डाउट है क्योंकि बहुत सारे फीचर्स होते हैं बिजनेस फोन के जो इसमें नहीं दिए गए हैं। बात करते हैं स्क्रीन की क्वालिटी को लेके। तो स्क्रीन की क्वालिटी स्क्रीन के साइज के हिसाब से ठीक है। जो एस्पेक्ट रेशियो और स्क्रीन का साइज है उसमें आप इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ब्लैकबेरी ने इस फोन को 2018 में लॉन्च किया है जबकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चला गया है। और अगर आप इस स्क्रीन पे वीडियोस या यूट्यूब देखना चाहते हैं तो कोई खास एक्सपीरियंस नहीं होता है उस फोन की स्क्रीन के हिसाब से जैसा एक्सपीरियंस और उस एस्पेक्ट रेशियो का जो एक्सपीरियंस होता था वही आपको यहाँ पे मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन की कैमरा की। तो इस फोन में आपको 2 रेयर कैमरास दिए गए हैं। यहाँ पे शायद OIS का सपोर्ट नहीं दिया गया और EIS के बारे में भी कोई बात नहीं की गई है। तो दोस्तों इस फोन की डेलाइट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है कैमरा की, लेकिन नाइट में बहुत लैक करती है। सिर्फ वही नहीं, आउटडोर परफॉर्मेंस ही अच्छी है, इनडोर परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है इस फोन की। तो कैमरा के लिए तो कोई खास यहाँ पे थम्स अप बनता नहीं है। फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो वो भी वैसा ही है। अगर लाइट अच्छी है तो परफॉर्मेंस ठीक है, अगर लाइट थोड़ी कम है तो परफॉर्मेंस बहुत ही गड़बड़ है। पता नहीं ब्लैकबेरी ने इन सब चीजों को लेके 2018 में फोन क्यों लॉन्च किया है। तो अब बात करते हैं इस फोन की प्राइसिंग की। तो यहाँ पे प्राइसिंग जो इंडिया में रखी गई है वो रखी गई है 42,990 rupees की। पता नहीं ब्लैकबेरी के ऐसे कौन से भक्त हैं जो इतना बड़ा अमाउंट ऑफ मनी इस फोन के लिए लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इससे भी सस्ते में OnePlus 6 है और वो इससे ज्यादा अच्छी हार्डवेयर और स्पेसिफिकेशन और कैमरा को ऑफर कर रही है। तो पता नहीं क्यों कुछ
बड़ी कंपनीज को लगता है कि वो गुडविल के चक्कर में बहुत बड़ा अमाउंट निकाल लेंगे और पता नहीं यहाँ पे ब्लैकबेरी अपना कौन सा टैक्स लगा रहा है। आपका क्या सोचना है इसमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी ही वीडियोज लेके आता रहता हूँ।